हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माय बी गे प्रिंट में। और जैसे कि मेघा राजपूत यानी दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स चैनल पर आप देख रहे हैं कि हमारे घर में चल रही है शादी की तैयारियां। हाँ जी, आज से बिल्कुल ठीक एक हफ्ते बाद मेरे छोटे भाई की शादी है, यानी कि नेक्स्ट मंडे। तो उसके लिए बहुत सी तैयारियाँ चल रही हैं। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बड़ी अनयूजुअल सी जगह जहाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता। यह है एक साड़ी शॉप, और यहाँ मैं आया था मेरे मम्मी पापा और मेरी दो बहनों के साथ, क्योंकि बहुत सी साड़ियाँ लेनी थी जो कि यूज़ के लिए, घर वालों के यूज़ के लिए भी थी। और इनफैक्ट जैसे कि शादी में होता है, रिलेटिव्स में भी शादी दिया जाता है, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको गिफ्ट की जाती हैं साड़ीज़ सूट्स लड़कियों के लिए। तो वो सब यहाँ शॉपिंग के लिए हम आए थे। ये जहाँ हम रहते थे और जहाँ मेरे चाचा जी भी रहते हैं, वहीं पर एक शॉप है और काफ़ी पुरानी है ये शॉप। शॉप के ओनर जो मेरे पापा जी को जानते हैं। तो यहाँ जब मैं आया इन तीन लेडीज़ के साथ, इनके मदर और दो बहनों के साथ, तो मैंने देखा कि लेडीज़ का शॉपिंग करना सच में बहुत ही एक टफ काम है। बिकॉज़ उन लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 2 2.5 घंटे तक अलग अलग तरह की, मुझे नहीं पता कितनी साड़ीज़ और सूट्स को देखने के बाद, कुछ 10 या 12 साड़ीज़ और सूट्स को फाइनल किया। और एक चीज़ और मैंने बड़ी नोटिस की कि जो जो ये जो सेल्समैन होते हैं, जो ये काम करते हैं, उनका भी पेशेंस लेवल बहुत बड़ा होता है। तो फाइनली देखिए, लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पर ये दोनों जो है बाहर आ रही हैं शॉप से, शॉपिंग पूरी करने के बाद। और इनफैक्ट पापा और शॉपकीपर इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं कि बार्गेनिंग जो थी वो बहुत एक फ़न था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मोस्ट प्रॉब्ली अगर नेक्स्ट टाइम जाना होता है इनकी दुकान पर, तो मैं उस पार्ट को भी ज़रूर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। और अभी देखिए, हम घर आ चुके थे, चाचा जी का घर है, और चाचा जी का बेटा और ये तीनों बेटियाँ चाचा जी की हैं, और ये जो बच्ची ब्लैक जैकेट में बैठी है, ये इनकी कोई फ्रेंड है। तो यहाँ पर कार्ड्स ऑलरेडी प्रिंट होकर के आ गए थे, तो हम उन कार्ड्स को, इनफैक्ट हम नहीं, ये बच्चे ही उन कार्ड्स को रेडी कर रहे थे, बिकॉज़ कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू करना था। और ये जो बच्चियां हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस शादी के लिए, और ना सिर्फ इस शादी के लिए बल्कि कोई भी जो काम होता है मम्मी को या पापा जी को, तो ये बच्चियां पूरी तरह से जो है डेडिकेटेडली वो काम करती हैं। इवन ये जो है वंश है चाचा जी का बेटा, ये भी हमेशा अवेलेबल रहता है कोई भी काम हो। तो ये बच्चियाँ बहुत खुशी के साथ इन कार्ड्स को रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा था कि कुछ कार्ड्स को कर दीजिए, बाकी जो हम बाद में कर लेंगे, बट ये कह रहे थे कि हम 5 7 मिनट में सारा रेडी कर देंगे। इनफैक्ट इन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ तैयार करके रख दिया था। बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं है हमारे, बट इन्होंने फिर भी काफ़ी स्पीड के साथ इसको किया था। साथ ही हर कार्ड के ऊपर हल्दी भी लगाई जाती है एज अ टोकन ऑफ गुडनेस, तो वो भी इन बच्चियों ने कर दिया था। और आई डोंट नो आप लोगों में कैसे होता है, बट हमें जो पहला कार्ड है वो दिया जाता है मामा जी को। तो यहाँ से हम लोग, सॉरी, पहला कार्ड देंगे हम मंदिर में यानी गणेश जी को, और जो है अगला कार्ड दिया जाएगा वो होगा मामा जी को। तो यहाँ हम जो है, देखिए बरखा हमारे घर की अभी सबसे छोटी बेटी है, इससे भी एक छोटी बेटी थी हमारे घर में मानसी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे लोगों के साथ नहीं है। तो जो भी कोई काम होता है ये बरखा करती है, चाहे वो कोई गाड़ी का पूजन हो या कोई और तरह की पूजा, तो बरखा ने ही वो कार्ड जो है मंदिर में चढ़ाया था। साथ ही कुछ मीठा लाया गया था जो कि एज अ प्रसाद हम लोगों ने मंदिर में भोग लगाया था, और बाद में फैमिली और फ्रेंड्स में उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया था। और यहाँ से हमने किया था शुभ आरंभ। तो हम आशा करते हैं और प्रे करते हैं माता रानी को कि ये जो शुभ आरंभ यहाँ कर रहे हैं हम, ये ऐसे ही चलता रहे और इसका कोई अंत ना हो, और सभी के जीवन में जो है अच्छी चीज़ें आएं, खुशियाँ आएं, और सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें। और ये जो तैयारियाँ आज चल रही है एक हफ्ता पहले, ये आने वाले सालों में भी ऐसी खुशियाँ बनी रहे और हम ऐसी बहुत सी चीज़ें करते रहे जो आपके साथ शेयर कर सके। तो यहाँ दोनों चाचा सब लोग थे, और अब यहाँ डायरेक्ट हम आ चुके थे मेरे मामा जी के घर। पहला कार्ड भगवान के बाद दिया जाता है मामा जी को। तो ये हमारे सबसे बड़े भाई है मोंटी, ये कार्ड पर खुद लिख रहे थे नाम, क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी ज़्यादा हौचपौच सी थी, तो ये खुद लिख रहा था, तो मैंने कहा चल भाई तू लिख ले। और यहाँ पे ना पूरे मामा जी की फैमिली अभी अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा मेघा के व्लॉग्स में कि बहुत बड़ी एक फैमिली है, बट बड़ी मामी जो है अपनी बहुओं के साथ मार्केट गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने,
तो यहाँ मामा जी थे, उनकी वाइफ थी और मॉन्टी अवेलेबल था, जबकि भाभी और बड़ी मामी नहीं थे। और यहाँ पर भी बहुत से कैमराज एक्टिव थे मेरे कैमरा के अलावा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये मॉन्टी का बेटा है शिवू, इसको मेघा के व्लॉग्स में देखा होगा, ये भी शूट कर रहा था। साथ ही हमारा छोटू सबसे आयु, ये भी शूटिंग करने में लगा हुआ था। आज इसकी मम्मी इसको छोड़ करके गई है मार्केट, और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या बोल रहा है, इसकी मम्मी कहाँ गई है और मम्मी कैसे इसके साथ मजाक कर रही है कि भाई तुम्हारी मम्मी नहीं तुम्हें छोड़ कर गई है। तो वो बड़ा एक छोटा सा क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ देखिए, मामा जी का तिलक से शुरुआत हुई थी, मीठा खिलाया गया था उनको और इन्होंने कार्ड को एक्सेप्ट किया था एज अ हेड ऑफ द फैमिली। और हम जो है यहाँ पर बहुत ही कहते हैं पॉजिटिव हैं कि यहाँ से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और अब जल्दी जल्दी बहुत सी अच्छी चीज़ें होने वाली है लाइफ में। एंड होपफुली हम आपके साथ और ऐसे व्लॉग शेयर करेंगे। तो पूरी फैमिली को ही मम्मी ने यहाँ तिलक किया था, मामी जी और बच्चे और सभी को। और मेरे बड़े मामा जी जो कि अभी हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, उनके जगह अब हमारा जो बड़ा भाई है मोंटी, वो है। तो इसीलिए बड़े मामा की जगह इस वीडियो में आप देखेंगे कि मोंटी का तिलक करेंगी मम्मी, और मोंटी हमारे लिए बड़े मामा की तरह ही है। एक्चुअली मोंटी और हमारी एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आई थिंक 3 साल का फ़र्क होगा मोंटी और मेरी एज में। बट हमेशा से ना ये एक बड़ा भाई रहा है हमारे लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे सीखी और इससे हम शेयर करते थे, और इसने हमारी ना सभी तरह से मतलब सब चीज़ें सुनता था, बताता था, एक्सपीरियंस शेयर करता था। ऑल ऑफ अ सडन अभी ना हम बात भी कर रहे थे कि 10 साल पहले भी ऑल वर लाइक सिंगल्स, और अभी सबके बच्चे हैं, और मतलब और बड़ा एक मतलब ये फील शायद जो मेरी एज के लोग होंगे जिनके बेबीज होंगे और जो लोग मतलब फैमिलीज आगे बढ़ चुके, क्योंकि वो देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि जैसे हम बच्चे होते थे जिस गलियों में हम खेलते थे, उन गलियों में अब हमारे बच्चे खेल रहे हैं और हम अपने बच्चों को बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। और मोंटी ऑल ऑफ अ सडन अब मोंटी को हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ें बदल गई, मोंटी एकदम से बहुत बड़ा हो गया, और जो हमारे साथ दोस्ती यारी का था वो एकदम से जो है इज्जत में चली गई वो चीज़। मतलब ऑब्वियसली मतलब इज्जत पहले भी थी, बट पहले हम मोर और लेस दोस्त थे, बट अब एक ये बड़ा भाई है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिससे हम चीज़ें जानते थे। बट अब ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू अस, तो वो चीज़ अच्छी लगती है देख करके। और ये बड़े मामा जी का सबसे बड़ा बेटा है, रिसेंटली इसकी भी शादी हुई थी, सो इसकी शादी में भी हम लोग गए थे। और ये मेरी मामी जी का बेटा है, तो ये एक बहुत कहते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली है। और यहाँ एक सबसे जो है अच्छी बात है कि मेरे मामा जी की फैमिली में ना सारे बेटे ही बेटे हैं, ये भी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है कि यहाँ पे कोई बेटी नहीं है घर में, और जो बहुएं आई हैं वो ही बेटी बनी हैं और वो बहुत अच्छा चला रही हैं इस घर को। तो चलिए इस गुड नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, और आगे आप देखें कि हमारे आयु महाराज क्या कह रहे हैं कि उनकी मम्मी कहाँ गई है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नानी के घर गई, नानी हाउस, नानी के घर गई है, नानी हाउस, फिर दवाई लेने। मुझे ना